अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान साउथ अहमद और मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के किसी भी फील्ड में जो बहुत बड़े बड़े यूटर्न लिए जाते हैं, ऐसा ही एक यूटर्न पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी लिया गया है, जिसमें मिसबाह उल हक और वकार यूनुस जब अपने ओहदे से दस्तबरदार हुए तो उसी वक्त पाकिस्तान के फास्ट बॉलर जो मोहम्मद आमिर हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो गए हैं। ज़राए का कहना है कि वो इस बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात करेंगे। मिसबाह उल हक और वकार यूनुस की जगह सलेम मुश्ताक और अब्दुल रज़्ज़ाक अबूरी कोचिज के फ़राइज सरंजाम देंगे। और बाद अज़ां ये भी खबरें वायरल हो रही हैं कि मिसबाह उल हक ने सिलेक्शन के मामलों में मशावरत ना करने पर अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज और पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट किए जाने वाले प्लेयर्स पर पाकिस्तान के जो कैप्टन हैं वो भी मुतमिन नहीं हैं। गुज़िश्ता बरस मोहम्मद आमिर ने अपने YouTube चैनल पर 15 मिनट की वीडियो अपलोड करके बताया था कि उनका जो इस्तीफा लेना है उनका वो जज्बाती फैसला नहीं है, वो ये फैसला सोच समझ के कर रहे हैं, लेकिन अचानक वो किस तरह इंटरनेशनल के लिए तैयार हो सकते हैं। अभी मैं उनका वीडियो क्लिप आपको दिखाऊंगा। इससे पहले कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप अपडेट रहें। और मोहम्मद आमिर का इस्तीफा लेने का सिर्फ फैसला किस वजह से था, वो सिर्फ कोच और हेड कोच की वजह से था कि वो उनसे मुतमिन नहीं थे। और मोहम्मद आमिर का ये भी कहना है कि अगर मुझे इज्जत नहीं मिलेगी तो मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया। आप ये वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं। तो नाज़रीन, आपने वीडियो देखी होगी और इसके रिलेटेड कोई अपडेट आपके पास है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।